Hello students, good morning. Today I am going to teach you the number system in which there are four types of number system used in computer system, which I have discussed you in the last video. The first number system is the decimal number system. Decimal number system is the system that is being used in our day-to-day life. So the decimal number system is the most important system which is used in our daily life. The base of this number system is 10. So decimal number system is the system that is being used in our day to day life. This number system has the base of 10, that is from 0 to 9. 0 to 9 is the base of this number system that we use in decimal number system. इसमें हम लोग 10 digits use करते हैं, जैसा आपको पहले भी बताया है. Now we should start the decimal number system, conversion of decimal number system to binary number system. So just see how we are going to convert the decimal number system to binary number system. Conversion of decimal to binary. Conversion of decimal to binary. Now, suppose, for example, the decimal number is 98. What is the its equivalent binary? Base to हम लिख देंगे इसका मतलब ये binary number आया. तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, आप जरा देखिए 98 को हम लोग इसका equivalent binary बना रहा है. तो हम लोग इसको divide करते हैं और repeated division method से हम लोग इसको करेंगे. तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए. Repeated division method से हम लोग बनाएंगे कि कैसे जो है हम लोग 98 को करते हैं. तो आप देखिए कि बेस ऑफ बाइनरी नंबर जो है, ये बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है. यहां हम लोग रिमाइंडर को लिखेंगे. रिमाइंडर को जो है कि कॉलम में हम लोग लिखते हैं. जो रिमाइंडर हमारा आता है उसको हम लोग लिखते हैं रिमाइंडर. अब यहां से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको. ये आपका इक्विवेलेंट कितना होगा ये आपको बताना है. तो 2 से हमने डिवाइड किया 98 को. तो ये कितना बार में डिवाइड, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 49 आया. यहां रिमाइंडर हमारा 0 बचा. फिर हम 2 से डिवाइड किया 49 को. तो 2 2 जा 4 और 2 4 जाए 24, 2 जा 48.
मेरा वन रिमाइंडर बच गया 49, इसको हम यहां लिख देंगे। फिर इसको हम 2 से डिवाइड किए तो 2 1 2 और 2 2 4 12 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो 0 कर दिए। फिर इसको 2 से डिवाइड किए तो ये आ गया आपका 2 6 या 12, यहां भी कुछ रिमाइंडर नहीं बचा तो 0 कर दिए। उसके बाद फिर 2 से किए, इसमें डिवीजन हम लोग 2 से लगाए, 2 से डिवीजन किए हम लोग तो इसमें 2 3 या 6 हो गया, 0 बचा। फिर 2 से हम लोग किए 2 1 या 2 और यहां पर रिमाइंडर 1 बचा। अब हम लोग इसको नीचे से ऊपर की ओर ऐसे लिखेंगे, नंबर जो नंबर आया है 1 1, 2 1 आया, 1 2 3 0 आया, 3 0, फिर 1 आया और 0 आया। तो ये इक्विवेलेंट नंबर आपका हो गया, बाइनरी का इक्विवेलेंट हो गया 11 11 0 0, फिर 0 और 1 0, ये इक्विवेलेंट आ गया आपका 98 इन केस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम लोग इसको ऐसे करते हैं, लिखने टाइम हम लोग नीचे से लिखेंगे, यहां तक ले जाएंगे रिवर्स डायरेक्शन में और ये नंबर को लिखते हैं। तो एक दो और एग्जांपल आप देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको दूसरा एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि आप 3 डिजिट का एक कोई बड़ा नंबर ले लीजिए, मान लीजिए हमने लिया 131 ले लिया, आप कहिएगा सर ले रहे हैं या चांदी ये 10 और इसका हम इक्विवेलेंट बाइनरी कितना निकालेंगे बाइनरी, तो ये है 131, तो इसको आपको रिपीटेड डिवीजन में चलते हैं, आपको इसका बाइनरी कितना है 131 का हम लोग रिपीटेड डिवीजन में करते हैं। यहां 2 से आप करेंगे, यहां रिमाइंडर को आप लिखेंगे, रिमाइंडर को हम लोग यहां लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 को किया, 2 से इसमें किया डिवीजन, क्योंकि बाइनरी नंबर में हमको करना है इसका डेसिमल का बाइनरी, तो डेसिमल टू बाइनरी करने पे आप 2 से डिवाइड करें, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 6 या 12 और 11 हो गया, 2 5 या 10 65 2 130 आया, 1 आपका रिमाइंडर बच गया, इसको यहां लिख दिए। फिर यहां 2 से किए तो 2 3 या 6 और ये आ गया आपका 2 2 या 4 32 2 या 64 हो गया, 1 बचा तो 1 यहां लिख दिए। फिर इसको किए 2 से 16 2 या 32 आ गया, यहां 0 लिख दिए, पूरा कट गया। फिर 2 से किए 2 8 या 16 फिर यहां 0 कोई रिमाइंडर नहीं बचा। फिर 2 से किए 2 4 या 1 यहां 0 बच गया। फिर अगली बार हम 2 से किए 2 2 या 4 यहां बच गया 0। फिर अगली बार हम 2 से किए तो 2 1 या 2 एक बार गया यहां बच गया 0। तो ये हमारा इधर से हम लोग लिख देंगे तो इसका इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा यहां पर 1, ये इधर से हम लोग ऊपर से लिख रहे हैं, यहां 1 है, फिर 1 2 3 4 5 0 2 3 4 5 0 लिखे, फिर 2 2 1 यहां लिखिए, तो ये यहां तक ऊपर तक चला गया ये लास्ट, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया आपका 1 1 2 3 4 और 5 0 और फिर 1 1 ये इक्विवेलेंट आ गया। तो दिस इज इन दिस वे वी आर गोइंग टू कन्वर्ट द डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी को हम लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइड करके इसको। अब नेक्स्ट जो है हम आपको बता रहे हैं इसको रिवर्स में कैसे करेंगे, तो आप अब इसको दूसरा आप समझिए, एक और आपको आज देख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर करेंगे आज। तो अगला जो हमारा है कन्वर्शन वो चलेगा आपका फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल। अभी अभी आपने किया था बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी नंबर जो है बाइनरी, ये बाइनरी का हम लोग डेसिमल करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल। इसका कन्वर्शन कैसे करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, तो बाइनरी नंबर के लिए डेसिमल टू बाइनरी जब हम किए थे, जैसे हमने आपको एक नंबर दिया था
इसका कि आप कन्वर्सन करेंगे हम लोग, तो हमने किया था आपको, हम लोगों ने यहाँ पर किया था एक 98 का, जो आपको बताया था कि 98 का कैसे हम करेंगे, तो 2 से इसको किए थे हम लोग, तो वो ये 2 चौके 8 और 2 नंबर 18 49 टाइम्स में किया था, इसका रिमाइंडर इधर लिख रहा था, तो 1 हम लोग लिखते थे, ये 0 हो गया था, 4 दुनिया 98 0 हो गया था, फिर इसको हम लोग किए थे 2 से, तो 2 2 4 और यहाँ पर आ गया था आपका 29 2 2 4 और 2 9 है, तो आपका 2 4 8 24 2 48 और एक क्या रिमाइंडर बच गया, फिर 2 से इसको 24 को किए तो 12 बार भी ये गया 0 बच गया, फिर 2 से किए तो 2 6 12 ये 0 बच गया, फिर यहाँ पर 2 से किए तो 2 3 6 यहाँ फिर 0 बच गया, और फिर यहाँ पर हम लोग किए तो 2 से तो 2 1 2 और यहाँ 1 आ गया, तो इसका इक्विवेलेंट नंबर था आपका 11। इधर से आप लोग लिखते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि नीचे से ऊपर की ओर हम लोग जाएंगे, तो इसका कन्वर्सन हो रहा है 11 1 1 2 3 0 है, तो 3 0 आप यहाँ लिख दीजिए, फिर 1 आया और 0 आया, तो दिस इज योर बाइनरी नंबर विच इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर, आपको लाना है यू नो कि 98 ये हो रहा है इसका डेसिमल, तो हम लोग कन्वर्सन कर रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसको जरा ध्यान से समझिए, इसको जरा देखेंगे हम लोग कि हाउ वी कन्वर्ट इट। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, जैसे ये नंबर का पार्टिकुलर प्लेस को आप समझिए कि कहाँ कहाँ पर ये नंबर है, राइट साइड से हम लोग मान लीजिए करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट इसमें है, तो 7 नंबर इसमें है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए कि हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, ये डेसिमल टू बाइनरी तो कर दी, तो बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए वहां हम लोग 2 से डिवाइड किए थे, यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये नंबर को उठाएंगे यहाँ पर क्या है 1 है, इस 1 को हम लोग लिख दिए, उसके बाद इसको किए मल्टीप्लाई 2 से, कितना से करेंगे, क्योंकि बाइनरी नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां 2 से डिवाइड करके निकाल रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसमें ये पोजिशन 1 का है, इसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 नंबर, तो हम लोग 2 to the power 6 करेंगे, उसके बाद यहाँ इस नंबर के बीच में 1+1 है तो +1 करेंगे, इसके बाद यहाँ पर इसको भी 1 into 2 का power, अब एक घट जाएगा यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 ही नंबर है तो 2 का power 5 करेंगे, फिर प्लस यहाँ पर 0 है तो 0 into 2 का power 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 इसके बाद 4 ही नंबर बच रहा है तो 4 कर देंगे, फिर प्लस यहाँ फिर 0 है तो 0 into 2 का power 3 करेंगे, 1 2 3 ही नंबर बचा, फिर इसके बाद 0 into 2 का power 2 करेंगे, 1 2 नंबर बचा, फिर प्लस 1 into 2 का power 1 करेंगे, क्योंकि इसके बाद 1 नंबर बचा है, प्लस 0 into 2 का power, इस 0 के बाद कुछ नहीं है, तो 1 के बाद अब 0 2 का power 0, तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करने के लिए क्या है, 1 into 2 का power 6 है, तो 2 का power 6 कितना होगा आपको पता होना चाहिए, आप स्क्वायर रूट पढ़े हैं तो 2 into 2 2 का power 6 का मतलब क्या होगा, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 5 6 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 2 64 हो गया, तो इसको हम लोग लिख देंगे 64, 2 का power 6 64 प्लस 1 into 2 का power 5 है, तो 2 का power 5 हो गया 1 2 3 4 5 बार, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16 2 32, तो इसमें 32 हो जाएगा, उसके बाद आपका है 0 into 2 का power 4 यानी 1 2 3 4 16 हो जाएगा, 2 का power 4 16 प्लस 0 into 2 का power 3 का मतलब 8 हो जाएगा, प्लस 0 into 2 का power 2 का मतलब 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1 into 2 का power 1 का मतलब 2 हो जाएगा, और फिर यहां पर आपका है
इधर प्लस 0 इंटू 2 का पावर 0, तो 2 का पावर 0 एनीथिंग रेस टू पावर 0 विल बिकम 1, इसका 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि किसी का भी पावर अगर मान लीजिए 2 का पावर 0 लास्ट में आता है तो ये 1 बन गया, 3 का पावर 0 भी 1 बनेगा, एनीथिंग रेस टू पावर 0 यानी कोई अगर 0 बढ़ाया गया है तो उसका वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा, तो 1 यहां हम काउंट कर दिया, आप सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 64 को मल्टीप्लाई किए तो ये 1 से 64 हो जाएगा, 32 को मल्टीप्लाई किए 1 से तो ये 32 हो जाएगा, ये 0 इंटू 16 0 हो जाएगा, 0 इंटू 8 भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 जो है आपका ये भी 0 हो जाएगा, यहां 3 0 था तो ये तीनों वैल्यू 0 हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका यहां पर 1 है तो 1 इंटू 2 आपका 2 हो जाएगा, अब फिर 0 इंटू 1 फिर ये 0 हो जाएगा, सबको आप जोड़ दीजिए कितना आ रहा है 64 32, इसको जोड़िए 4 और 2 6 और 6 और 3 9, मतलब 4 2 6 और 2 8 हो गया यहां पर, और 6 और 3 9 हो गया, 98 आ गया, तो आपका कन्वर्सन ये कंप्लीट हो गया, तो इस तरह से हमारा यहां पर आ गया 98 का ये इक्विवेलेंट था, यानी बाइनरी टू डेसिमल हमको मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कन्वर्सन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो एक और एग्जांपल हम छोटा सा आपको लेते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग भी यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल और देखने का प्रयास करते हैं बाइनरी टू डेसिमल में। मान लीजिए कि अगर एक नंबर मेरे पास है, हमने ऐसे ही लिया 11 00 और एक नंबर 0, ये नंबर है ये बाइनरी, इसका इक्विवेलेंट हम डेसिमल कितना लाते हैं ये बनाना, तो हम लोग करेंगे यहाँ 1 है इंटू 1 2 3 4, 4 डिजिट इधर बचा है तो हम लोग 2 का पावर 4 करेंगे, प्लस यहाँ पर भी 1 है तो 1 इंटू 2 का पावर ये 1 आ गया, तो 1 2 3 डिजिट बचा 3 लिखेंगे, प्लस यहाँ 0 है तो 0 इंटू 2 का पावर 1 से माइनस हो जाएगा तब 2 बचेगा, क्योंकि इसके बाद 2 ही डिजिट है, प्लस 0 इंटू 2 का पावर ये 1 बचेगा, क्योंकि इस 0 के बाद 1 बार है और ये 0 के बाद तो कुछ नहीं है, तो 0 इंटू 2 का पावर 0 हो जाएगा। अब इसको आप तोड़िएगा तो 1 इंटू 2 का पावर 4 जो है 2 4 8 16 बचेगा, फिर 1 इंटू 2 का पावर 3 जो है ये आपका 8 होगा, प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2 जो 4 तो ये 0 इंटू 4 होगा, प्लस ये 0 इंटू 2 होगा, प्लस ये 0 इंटू 1 होगा, 2 का पावर 0 यानी लास्ट में 1 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग 16 को 1 से किए, 16 प्लस 8 को 1 से किए तो 8 हो जाएगा, 0 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 18 मल्टीप्लाई 0 ये 0 हो जाएगा, 0 और 2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 0 और 1 मल्टीप्लाई होकर के भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका बन गया 16 और 8 आपका ये हो गया 24, तो ये 24 का आया है हम लोग का ये डेसिमल नंबर, ये 24 हो जाएगा आपका ये डेसिमल नंबर। अब 24 का इतना ये आपका आया है 11000, तो ये आया कि नहीं 11000 ये लाना है, तो आप इसको फिर यहाँ पर 24 को डिवाइड कर दीजिए जैसा हमने पहले भी आपको बताया है, तो इसको डिवाइड करके आप चेक कर लीजिए, तो उससे ये किए यहाँ रिमाइंडर आया नीचे, तो ये 12 बार में कट गया 24, 12 टाइम्स में 0 रिमाइंडर आ गया, फिर इसको 2 से किए तो 6 बार में कट गया ये 0 रिमाइंडर आ गया, फिर इसको 2 से किए तो 3 बार में कट गया ये 0 रिमाइंडर आ गया, और फिर 2 से किए तो ये 2 1 2 और यहाँ पर 1 आ गया, तो इसको ऐसा लिख दीजिए तो ये 11000 आपका आ गया जो हम लोग इसका निकाले थे 24 का कन्वर्सन। तो इन दिस वे हम लोग बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी को एक दो से डिवाइड करेंगे और बाइनरी टू डेसिमल के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालते हैं। इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट द बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। होप यू विल बी अंडरस्टैंड द नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल्स, अपने से आप प्रैक्टिस कीजिए, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।